वेलकम टू MME। तो आज हम देखेंगे कि सीटेट जैन 2024 की रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो इसके लिए आप पहले किसी भी नॉर्मल क्रोम ब्राउज़र पर जाइए, वहाँ सीटेट टाइप करिए। सेकंड लिंक आपको मिलेगा अप्लाई फॉर सीटेट जैन 2024, उस पर क्लिक कीजिए। उसके नीचे एक और लिंक मिलेगा रेड कलर का, उस पर क्लिक कीजिए। आपको मेन वेबसाइट आ जाएगी सीटेट की, जहाँ आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अगर आपको लॉगिन करना है तो आप इस साइट से लॉगिन भी कर सकते हैं, अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। अदरवाइज आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं की हो तो। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए, क्लिक टू प्रोसीड एंड देन यहाँ आप अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करेंगे। कैंडिडेट्स नेम, जो डॉक्यूमेंट्री अकॉर्डिंग है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सभी डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग एज इट इज लिखेंगे हम। उसके बाद अपनी बाकी सारी डिटेल्स यहाँ फिल करनी है, डेट ऑफ बर्थ, मेल, अपनी आइडेंटिटी में आप लास्ट सेकंड ऑप्शन एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ ये चूज करेंगे। आप बाकी कोई भी चूज कर सकते हैं अगर आपके पास है अभी। अगर आधार कार्ड चूज करना तो आप लास्ट सेकंड ऑप्शन ही चूज करके एनी अदर विद गवर्नमेंट आइडेंटिटी। और अब इसके नीचे वाले कॉलम में आप अपना आधार कार्ड डिटेल नंबर फिल कर देंगे। इसके बाद आ जाता है प्रिमिसिव नंबर, आपका एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस, यहाँ आप अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, ये सब फिल करेंगे। याद रखिएगा एड्रेस फिल करते वक्त कोई भी स्पेशल करेक्टर आप यूज़ नहीं करेंगे, जैसे एट द रेट या डॉट वगैरह, कोमा डॉट, अपना स्ट्रीट। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, आपका ईमेल एड्रेस जो आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, यानी जीमेल अकाउंट के अंदर जाके आप चेक कर सकते हो। याद रखिएगा एक ईमेल पे और एक नंबर पे एक बार ही रजिस्ट्रेशन होती है, आप एक नंबर और एक ईमेल को बार बार यूज़ नहीं कर सकोगे, तो बी केयरफुल जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो। लैंडलाइन वाला ऑप्शन ऑप्शनल है। इसके बाद आप अपना पासवर्ड फिल करेंगे जो 8 to 13 करेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, और इसमें एक कैपिटल अल्फ़ाबेट एटलीस्ट हो और एक स्मॉलर अल्फ़ाबेट एटलीस्ट हो और न्यूमेरिकल भी। तो इसके लिए आप अपना नाम फर्स्ट लेटर कैपिटल एट द रेट 123 यूज़ कर सकते हो, अगर आपको नई कोई पासवर्ड याद रहे तो। सेम एज इट इज लिखना है। इसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करना है।
ताकि अगर आप पासवर्ड भूल भी जाए तो फॉरगेट कर पाए। कैप्चा फिल कर। नेक्स्ट स्टेप आपका प्रीव्यू होगा, जहां आपको अच्छे से डिटेल चेक कर लेनी है, क्योंकि इसके बाद डिटेल करेक्ट नहीं होती, करेक्शन इसकी कुछ नहीं होता। उसके बाद आपने सभी ऑप्शन टिक करके चेक करने के बाद आपने जो भी नंबर रजिस्टर किया है उस पर ओटीपी शेयर करना है। प्रोसीड करते ही आपके नंबर पे जो भी नंबर आपने रजिस्ट्रेशन में दी है उस पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ आपने फिल करना है। देन सबमिट। और ये एप्लीकेशन नंबर आपने कहीं लिख लेना है या कॉपी कर लेना है इसे, क्योंकि आगे इसी से आपकी रजिस्ट्रेशन दोबारा रीओपन होगी। आगे हम नेशनलिटी, कैटेगरी, कैटेगरी जो भी आपकी जनरल बीसी ओबीसी हो, अगर आपके पास आपकी कोई डिसेबिलिटी हो या ना हो वो फिल करनी है। पीडब्ल्यूडी, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आप एम्प्लॉयड हो या नहीं हो। देन एंटर कैप्चा। ये थोड़ा ध्यान से करेंगे हम। पहले हम देख लेते हैं पेपर फर्स्ट के लिए। इसके अंदर दो ऑप्शन होगी लैंग्वेज की, तो ये लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिनका आपका पेपर होगा, मतलब एग्ज़ाम होगा, ये मीडियम वाला लैंग्वेज नहीं है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाती है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। फर्स्ट ऑप्शन है जिन्होंने ETT की है, प्लस टू पास और टू ईयर डिप्लोमा, तो इसके लिए हम फर्स्ट चूज करेंगे। और डिप्लोमा ETT का होता है, इसलिए सेकंड क्वालिफिकेशन एग्जाम में हम फर्स्ट ऑप्शन डिप्लोमा इन एजुकेशन चूज करेंगे। एंड देन आपके सेंटर चूज करिए जहाँ जहाँ आपने जाना है। फर्स्टली आप स्टेट चूज करेंगे, सेकंड कॉलम में उसके सामने आप सेंटर चूज करेंगे डिस्ट्रिक्ट। कैप्चा करने से पहले हम पेपर सेकंड के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जो बीएड वाले बच्चे होते हैं सेम एज इट इज, उनको भी दो लैंग्वेजेस पेपर के लिए सिलेक्ट करनी पड़ेगी, और मिनिमम क्वालिफिकेशन के अंदर उनको सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करनी है। एटलीस्ट 50% इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एंड अपीयरिंग इन फाइनल ईयर बीएड। उसके बाद ऑप्शन आ जाती है सब्जेक्ट कौन से की है, क्या आपने SST रखी है या मैथ साइंस रखा है। एंड देन ऑप्शन फिर वही दो आ जाती है डिप्लोमा एंड डिग्री, क्या किया आपने, तो उसमें से आपने डिग्री चूज करनी है बीएड वाले बच्चों ने। एंड देन एंटर योर कैप्चा एंड प्रोसीड इट। उसके बाद आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की पोर्टल खुल जाएगा, जिसमें आपने बीएड की डिटेल्स फिल करनी है। बीएड आप पास्ड आउट हो या अपीयरिंग हो, कौन से साल में किया आपने बीएड, कोर्स स्ट्रीम या एक ही ऑप्शन होगी उसी सिलेक्ट करना है। एंड देन आपके पास आता है बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, इसके अंदर आपको क्या करना है। इसमें बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी नहीं फिल करनी, इसके अंदर आपको अपनी इंस्टीट्यूट, मतलब जहाँ जौन से कॉलेज से आपने अपनी बीएड कंप्लीट की है उस कॉलेज का नाम फिल करना है, क्योंकि इसमें यूनिवर्सिटीज़ का नाम नहीं दिखाई देगा, कॉलेजेस का नाम दिखाई देगा। अगर आपने कॉलेज का नाम नहीं आ रहा तो आप इसमें अदर के ऑप्शन दिया होगा, अदर के ऑप्शन में जाके अपना कॉलेज का नाम फिल कर सकते हो। फिर आपके मार्क्स फिल करने हैं, कितने में से मार्क्स आए हैं, टोटल मार्क्स क्या है और ऑब्टेन मार्क्स क्या है, परसेंटेज अपने आप आ जाएगी। इसके बाद है इंस्टीट्यूट पिन कोड, जो भी आपने अपना कॉलेज का नाम दिया है उस
जिस भी डिस्ट्रिक्ट में वो है उसका पिन कोड यहाँ पे डलेगा, देन एंटर कैप्चा। Then proceed it. And उसके बाद आपके पास आ जाएगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन, जिसके अंदर आपको याद रखना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जेपीजी फॉर्मेट में हो, फोटोग्राफ का जो मिनिमम साइज हो वो 10 KB से नीचे ना हो और 200 KB से ऊपर ना हो। ऐसे ही सिग्नेचर भी जेपीजी फॉर्मेट में होगा एंड उसका मिनिमम साइज है 4 KB एंड मैक्सिमम साइज है 30 KB। देन चूज योर डॉक्यूमेंट आपने जहाँ पे भी रखा हो एंड आपने इसके बाद चूज करने के बाद अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक करना है ताकि ये पूरी की पूरी फोटो आपकी अपलोड हो, नहीं तो ये क्रॉप होके अपलोड हो जाएगी जितना जितना एरिया इसके अंदर दिखाएगा। आप अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक कीजिए तो आपकी पूरी फोटो आएगी, ब्लू लिंक्स आ जाएंगे साइड में, लिंक है टू व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट्स ऐसा लिख के, तो वहाँ से दोनों लिंक्स आप ये देख लीजिएगा कि भी आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक अपलोड हुए हैं या नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो उन्हें दोबारा अपलोड कर लीजिएगा एंड देन प्रोसीड इट। इसके बाद आपका फाइनल प्रीव्यू पेज आ जाएगा जिसके अंदर आपने अपनी सारी डिटेल्स चेक करनी है, जो भी आपने फॉर्म में भरी है वो अच्छे से चेक कर लीजिएगा, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आपकी एज, आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स, आपकी क्वालिफिकेशंस, आपकी फोटोज। सो ताकि डन करने से पहले आपका फॉर्म गलत ना हो। इसके बाद आपके प्रोसीड करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा ईमेल वेरीफाई का। ईमेल वेरीफाई में क्या होगा, इसको आप प्रोसीड करोगे तब कैप्चा भरने के बाद जो भी आपने ईमेल स्टार्टिंग में फिल किया था उसके ऊपर ओटीपी आएगा। अगर आपने ईमेल अब चेंज भी करनी है तो चेंज पे क्लिक करके आप ईमेल को चेंज भी कर पाओगे, अदरवाइज अगर उस पर ही लेनी है तो इसी के अंदर आप ईमेल का ओटीपी फिल कीजिए, आपका फॉर्म प्रोसीड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ जाएगा पेमेंट का, पे एग्जामिनेशन फी, जो भी आपकी कैटेगरी होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी फीस आएगी यहाँ पे। तो अगर आपके पास नेट बैंकिंग चल रही है तो आप नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप एनी अदर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की डिटेल्स फिल करके वो भी कर सकते हो। अगर आपके पास गूगल पे QR वगैरह चल रहा है तो आप QR पे क्लिक करके डायरेक्ट गूगल पे से स्कैन करके भी पेमेंट कर पाओगे। इस नंबर पे जाके क्या लिखोगे, हाय गवर्नमेंट एग्जाम दोस्त, ऑल इंडिया एग्जाम्स, सीटेट, इसमें फ्री वीडियो लेक्चर मिलेंगे, सीटेट के प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी, सीटेट का सिलेबस मिलेगा और हमारी VIP कम्युनिटी का लिंक, इसको ज्वाइन कर लेना। और इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैं बहुत कुछ डालूंगा।